बुरा करते हैं उसकी पेशवा ने तो बरकत के लिए जो उसने हम पर इशारा कर रखी है और इस खूबसूरत मुकद्दस महीना में इस तरह खुदावंद हमें लिए करता है और हमारी फिक्र करता है और ढेरों खुशियाँ अदा करता है उसके लिए हमें हमेशा खुदावंद के जरूर अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करते रहना चाहिए और शुक्रगुजारियाँ भी और उसे खुदावंद ने भेजा था बाप की मर्जी से आया और उसने यीशु की बड़े ही खूबसूरत अंदाज से गवाही उसने कहा कि जो यीशु मसीह है वो मुझसे मुकद्दर है वो मुझसे पहले और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने की भी उसकी गवाही में दूसरी बड़ी खूबसूरत बात थी मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देता इतना खूबसूरत अंदाज से उसने बयान किया ताकि खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत है उसकी जो फजीलत है उसका जो बड़ापन है वो लोगों को नजर आए लोग ये ना समझें कि यूहन्ना बपतिस्मे करता है बपतिस्मे देता है और शफा देता है इसलिए वो बहुत बड़ा है बल्कि उसने वाजी कर दिया कि मैं जो कुछ भी हूँ उसके तुफा है मेरा तो सिर्फ यही काम है कि मैं उसकी बिशारत हूँ बिशारत देने वाला उस पुरफजल खुदा से कैसे बड़ा हो सकता है हम जो एलची है हम अपने भेजे हुए शख्स से बड़े नहीं हो सकते हम तो होता है और यूं ना वो शख्स है जिसके बारे में कहा गया कि वो औरतों में से पैदा हुए हैं और नहीं उन्हें सबसे बड़ा है और वो इस हरीमी और फरोख्ती से गवाही दे रहा है और हमें खुदावंद ने एक और खूबसूरत आवाज से नवाज दिया वो जो मेरा कलाम सुनते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं और हमें दूसरा आज ये दिया कि तुम मेरे दाएं तरफ हो एक और खूबसूरत आज कि तुम वारिस हो अब अजीजो यूहन्ना की बिशारत का तो जिक्र हमने पिछले सबक सुना आज मैं चाह रहा था कि हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अंजील के बारे में खुशखबरी है और खुशखबरी से मुराद बिशारत है और यहाँ 26वीं आयत में जिब्राइल फरिश्ता ये भी खुदा की तरफ से भेजा गया यानी यूहन्ना खुदा की तरफ से भेजा गया और वो बिशारत देने के लिए आया है और बिशारत क्या दे रहा है कि दाऊद के घराने पर खुदावंद का बड़ा फजल होगा दाऊद के घराने को खुदावंद बड़ी इज्जत का यूसुफ नामी शख्स को खुदावंद इज्जत अदा करेगा मुकद्दस मरियम को खुदावंद इज्जत अदा करेगा और उसने जो खूबसूरत बिशारत दी उसमें लिखा है फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर उससे कहा सलाम तुझको खुदा फरिश्ता की वसीला उस नेक खातून पर सलामती भेज रहा कितना बड़ा आजाज है किसी खातून के लिए और किसी मर्द के लिए आम सा शख्स आके ये नहीं कहता कि मेरे साहब ने मेरे बॉस ने सलाम भेजा है जिब्राइल फरिश्ता को भेजा गया है खुदा ने भेजा है इससे बड़ा आजाज और क्या हो सकता है हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं उसको मेरा सलाम देना है किसी के हाथ और जो कुछ सुनता है वो खुश होता है फलां ने सलाम भेजा है फलाने मेरे लिए सलामती की दुआ की है फलाने मेरे लिए सलामती चाही है और यहाँ पता नहीं कितने मील दूर से वो फरिश्ता चाहत का पैगाम ले गया मोहब्बत का पैगाम ले और डायरेक्टली खुदा से पैगाम ले गया है मुकद्दस मरियम को कह गया है सलाम कुछ को जिस पर फजल हुआ है फजल बड़ा ही अच्छा लफ्ज है और यूनानी जबान में इसका मतलब है हमायत
और अक्सर हम उर्दू जुबान में और खासतौर पर कुछ ऐसी तर्जीमें हैं जो मुकद्दस मरियम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है पुरफजल। पुरफजल लफ्ज गलत है, पुरफजल खुदा है जो फजल से भरा है, इंसान फजल से भरा नहीं होता। यहाँ मेरे पास जो नई ट्रांसलेशन है उर्दू जुबान की, ये हरे राम वाली नई बाइबल, इसमें बड़ा वाज़ह लिखा है खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, यानी तू पर फजल नहीं है, खुदा पर फजल है। जो फजल से भरा हुआ है उसने पैगाम भेजा है सलामती का, उसने कहा है जा जाके मरियम को सलाम कह, मेरा सलाम देना। और ये कहना यूनानी ज़बान का तर्जमा, खुदावंद की हमायत तुझे हासिल है, इस आयत का मतलब कितनी बड़ी बात है। आज के दौर में कोई एमएलए एमपी कोई बड़ा शख्स कोई बादशाह कोई वज़ीर आज़म या अमेरिका या चीन किसी को कह दे छोटे मुल्क को छोटे खानदान को कि घबराना नहीं मेरी हमायत तुझे हासिल है। हम तो छोटे छोटे बच्चों को जब कह देना जाओ उसको पकड़ ले जाओ उसको मार क्या प्यार से गाली निकाल कर, वो छोटा सा बच्चा भी कहता है मुझे हमायत हासिल है बड़े। और आप जानते हैं हमारे इस मुआशरे में वडेरा कल्चर है, वडेरे तो अपनी हमायत से आम से लोगों से भी चोरियां भी करवाते हैं और डाकू भी करवाते हैं। हमायत बड़ी बात है, अगर किसी शख्स की जो पास हो वो मिल जाए। और जहां हमायत खुदावंदों के खुदावंद की हो कादरे मुतलक की हो उससे बड़ी इज्जत और अजाज क्या हो सकता है। लिखा है खुदावंद खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है तुझे हमायत हासिल है, हमायत भी बड़ी स्पेशल है, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और पिछली दो याद लिखा है कच्चा मरियम कुंवारी है, कुंवारी खातून के लिए ये खास हमायत तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। अक्सर खवातीन की ख्वाहिश होती है कि बेटा हो, और यहां बगैर शादी के बेटा हो रहा है और खुदा की कुदरत से ये मुमकिन हो रहा है। तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, नाम भी खुदा ही ने रखा है, ये भी तो बड़ा आजाद है ना। हमारे बहुत से ऐसे खानदान है जो अपने पादरी साहबान को या क्रीस से अपने बुजुर्गान को या पादरी साहबान को कहते हैं अच्छे बच्चे का नाम रखे, वो सोचते हैं कि वो अच्छा नाम दे। और हम भी सोचते हैं हाँ यकीन अच्छा नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है किसी शख्सियत की अकासी करता है। और यहाँ शख्सियत की अकासी करने वाला खुदावंद बादशाह मालिक नाम दे रहा है तो उसका नाम यीशु है, बेटा भी वही दे रहा है, हमायत भी वही कर रहा है, नाम भी वही रख रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि खुदा सब कुछ ओन कर रहा है, ये मेरा है। किसी को ओन कर लेना, किसी को अपना बना लेना, कह रहे ये मेरा है ये मेरी है, ये भी बहुत बड़ी हमारी है। और फिर जो वो बुजुर्ग होगा, ये बिशारत दी जा रही है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, तब राज है और खुदावंद खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा, यानी दाऊद के घराने का तख्त, यहूदा के खानदान का तख्त यीशु को देगा। माँ कितनी खुश होगी उस बिशारत से जो किसी आम शख्स की तरफ से नहीं दी जा रही, वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही है, अब तक बादशाही। इसराइल के खानदान में या इसराइल की तारीख में जिन जिन बादशाहों ने अरसे दराज तक तो की 30 से 40 के दाम भाग गए, वरना नारायण हुक्मरान जो थे वो चंद साल चंद महीने हुक्मरान रहे और फिर इस जहां फर्जी कुछ करते हैं और
उनके बारे में बाइबल की तारीख में लिखा है, खुदा उनसे खुश था, जिनसे वो खुश था उनकी हुकूमत को, उनकी ममलकत को दबाव बख्शा था। अब यहां जिसे खुदा हमाज देना चाहता है उसके बारे में वो यूं फरमाता है कि देख जो बेटा तेरे हाथ पैदा होगा उसकी बादशाही का कोई आखिर न होगा। कितनी खूबसूरत बिशारत है। और एक सवाल इसी दौरान, कितने अजीज हैं जो ये बिशारत उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें पता ही नहीं यूसुफ अजीजों, ये आपने सोचा है। अब जिसको बिशारत दी गई है उसका जवाब, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानता। उसके लिए तो ये अजीब सी बात है ना, और बातें हो रही है फरिश्ते के दरमियान और मरियम दोनों के दरमियान। आमतौर पर इंसान जब किसी ऐसी मखलूक को देखता है तो घबरा जाता है, और यहां मरियम बात कर रही है फरिश्ते से, और वो भी जिब्राइल फरिश्ता है। जितने भी आप मुआवजात पढ़ेंगे आप देखेंगे और महसूस करेंगे जब जब फरिश्ता किसी मिजाज का वो डर है और फरिश्ता को कहना पड़ा डर मत। फरिश्ता ने जवाब से कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, यानी मेरा तो कोई कमाल नहीं, मैं तो पैगाम लेके आया हूँ, ये काम रूहुल कुद्दस का है, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यहां तस्वीर के दो अकलूम नजर आ रहे हैं बड़े वाज़े, एक है खुदा ताला का लफ्ज, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और दूसरा रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। और इसी बात में प्यारे भाइयों गौर करना, तीसरा अकलूम नजर आ रहा है, तेरे बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना और वो अब तक हुक्मरानी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कलाम मुकद्दस में तस्लीस कहाँ है, लफ्ज तस्लीस तो नहीं है, पर देखिए सब कुछ मौजूद है, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और रूह कुदस जो है वो तुझ पर नाजिल होगा। और इसी सबब से यीशु मौलूद मुकद्दस कहलाएगा, यानी वो शख्सियत जो पैदा हो रही है वो मुकद्दस हो, मौलूद मुकद्दस। इसलिए उसने कहा था कि मुझ में गुनाह नहीं, कोई मुझ में गुनाह साफ हो, वो मौलूद मुकद्दस होगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। तीसरा अकलू तस्लीस का, खुदा बाप के रूप में और खुदा बेटे के रूप में और खुदा रूह कुद्दस के रूप में। अब हमारे बुजुर्गाने दीन पहली सदी ईसवी से ही जो बिशारत देते चले आए और जिन्होंने ये अल्फाज नस्ल दर नस्ल कौमों को सिखाए, खुदा बाप के रूप में, खुदा बेटे के रूप में, खुदा रूह कुद्दस के रूप में, हम उन्हें कैसे झुठला सकते। और फिर खुदा का कलाम जो हकीकत पर मबनी है उसे कौन चैलेंज कर सकता है। अजीजो ये खूबसूरत बिशारत देने के बाद जिब्राइल एक और बड़ी ही खूबसूरत बिशारत मुकद्दस मरियम को दे रहा है, वो क्या है 36 है, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। मुकद्दस मरियम को तो पता नहीं था अलिशबा बुढ़ापे में है और तेरी रिश्तेदार है। जब हम इन बाप का मुताला करते हैं तो वो कजन है, तेरी कजन के भी बेटा होने वाला है। दूर दूर वो रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो भी हामिल होने वाली है, वो फिर उम्र में भी बहुत बड़ी है। देख और वो जो भाज कहलाती है, यानी सिर्फ बुढ़ापा ही नहीं, फरिश्ता सारी बात जानता है। खुदा जिन मैसेंजर्स को, कासदों को, एंजल को भेजता है उन पर मुजाहिर भी करता है। देख वो तेरे रिश्तेदार है, फरिश्ते को पता, उसको बता रहा है, और देख वो बरसीदा भी है,
देखो भाजपी है और अब देख वो बेटा जनेगी और खुदावंत का जो कॉल है वो पूरा होगा और जो बेटा है यानी जो रिश्वत के दिन पे वो 6 महीने का बच्चा है इसको विशाल कहते हैं, इसको हकीकी गवाही कहते हैं। बस औकात हमारे दिल में जो बात आती है और हम किसी दूसरे के पास जाके कह देते हैं मुझे तो खुदा ने कहा है, सुनने वाले को पता भी नहीं है, उसके ख्वाबों ख्याल भी नहीं है और ना कोई बात मैच करती है, या जो जो कहा जा रहा है उसमें हकीकत है और वो हकीकत फौरी नजर आती है। और फरिश्ता कहता है क्योंकि जो कौल जो बात खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर वो जिस बंजर जमीन पर भी पड़ता है उसे जरखेज बना देता है। जिन बंजर दिलों पर खुदा का कलाम उतर आता है वो बंजर दिल भी सराब हो जाते हैं। 38वें आयत में मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। इतनी हलीमी और आजजी है, वो फख्र में नहीं आए कि मैं आपको एक सुपर शह बंदी हूँ, कहती मैं खुदावंद की बंदी हूँ मेरे लिए तेरे कौल के, यानी जो कौल बयान किया गया है जो कहा गया है जो हुक्म है उसकी मैं ताबे फरमाऊं। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अजीजों ये खूबसूरत बशारत आज हमने देनी है और ये बयान करना है कि हकीकत क्या है। कच्चा मरियम उठी है और जल्दी से वो बशारत दी जाती है और वो बशारत दी जाती है अपनी कजन को रिश्वा को कि देख फरिश्ता ने जिब्राइल फरिश्ता ने मुझसे कहा मुझसे हम कलाम हुआ है और उसने मुझे ये बातें बताई है और वो दौड़ के यहूदा के एक शहर को गई जो पहाड़ी इलाका है और ज़िकरिया के घर में दाखिल होकर अरिश्पा को सलाम किया है। बिशारत का सिलसिला जिब्राइल उसे कहने आया है सलामती हो और अब मरियम वो अरिश्पा के घर में जाकर उसको सलामती की दुआ देती है और जो ही अरिश्पा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में छिप पड़ा और अरिश्पा रूहुल कुद्दस से कच्चा मरियम का सलाम उसकी आवाज को बिशारत देने आई है और जो ही वो अल्फाज अरिश्पा के कान में पहुंचे हैं वो रूह कुद्दस में वो सलामती खुदा की तरफ से आया, वो पैगाम खुदा की तरफ से आया है कि जा अरिश्पा को बता। और जब रूह कुद्दस से भर गया तो बुलंद आवाज से पुकार कर कहने कच्चा मरियम से कहा तू औरतों में मुबारक है, बहुत बड़ा जहाज तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल भी मुबारक है। रामू का जिसमें लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, दौदगी के मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और खुदावंद के नाम से कौन आता है, यीशु, और किसी को तो खुदावंद ही कहता है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और तेरे रहम का फल मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, मुझे ये हमायत कैसे मिल गई है, यानी तुझे तो हमायत मिल चुकी है कि तेरे रहम में जो बच्चा है वो मुबारक होगा पर मुझे ये हमायत कैसे मिल गई, मुझ पर ये फजल कैसे हो गया कि मेरे खुदावंद की माँ जो तेरे पेट में है वो यीशु है वो खुदावंद है, मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आए। इस तंजीम में लफ्ज बोलती है खुदा की माँ, वो जरा इल्मी लिहाज से अजीब सा लगता है क्योंकि खुदा के बारे में जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है सीगा वाहर में
और फिर खुदा जो कि खालिक मालिक है और कायनात का पूरी कायनात का राज़िक है, शाकी है, बनाने वाला है, कि जब एक इंसान से इस तरह बात की जाए कि तुम खुदा की माँ है तो जरा रिएक्शन होता है, और यह लफ्ज खुदावंत है, खुदावंत की माँ। और फिर साबर भाई से जब हम बैठते थे फारसी के इस लफ्ज की बड़े खूबसूरत अंदाज से बात करते थे, करते हैं, ये फारसी जुबान का लफ्ज और खुदावंत के मानी है खुदा की माँ है, खुदा की तरह उससे मुशाहद होते। और आपको पता है दुनिया के बहुत सारे जो वजाहत के लोग हैं वो लफ्ज खुदावंत नहीं बोलते हैं, मुझे पता है कि खुदावंत की जो मानी है मसीहों की नज़र में क्या है, यस्सु की माँ कहना मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब है, क्योंकि खुदा ने जिब्राइल को कह के भेजा है कि वो यस्सु की माँ होगी, उस जिस्म की माँ है, उसके अंदर जो रूहुल कुदस है उसकी माँ है, क्योंकि रूहुल कुदस है वो खुदा का तीसरा अकलूत है, यानी रूहुल कुदस के रूप में खुदा जाहिर होता है। वो कहते हैं मुझे ये हमायत मिल गई, मुझ पर ये फजल कैसे हो गया कि मेरे खुदावंत की माँ, मेरे यीशु की माँ, मेरे बचाने वाले की माँ मेरे पास आई है, और देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, तेरी सलामती की दुआ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल गया। अजीजो, खुदावंत का कलाम हमें किस तरह खुशी से भर देता है, और जब खुदावंत का कलाम हमें खुशी अदा करता है तो हम थोड़े नहीं समाते हैं, कुछ होते हैं। मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंत की तरफ से हैं तरसुस से कही गई वो पूरी हुई। अलिशबा के बारे में जो कहा गया जिब्राइल फरिश्ता ने जो बशारत दी वो पूरी हुई, वो कदसा मरियम के हवाले से जो बात की गई वो पूरी हुई, अब यूहन्ना नबी की बशारत वो भी पूरी हुई कि मुझे खुदावंत ने भेजा है कि मैं गवाही दूं और ये कहूं कि जो मेरे बाद में आने वाला है वो मुझसे मुकद्दर है। आए अपने सरों को झुका लें, खुदावंत का शुक्र अदा करें इस मीठे कलाम के लिए और इस तसल्ली बख्श कलाम के लिए, अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे।